दुनिया गोल है और हर गोल चीज सुंदर, ये तो हम सबको पता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि दुनिया सुंदर सिर्फ तभी लगती है जब आपका उसे देखने का नजरिया भी खूबसूरत हो। और इसी दृष्टिकोण के साथ हमने उड़ाया अपना उड़न खटोला और पहुंच गए उत्तराखंड के एक ऐसे गांव में जो कि मेरे हिसाब से शायद भारत के सबसे खुश रहने वाले गांवों में से एक है। हम 8 मुसाफिर जिनको आप अभी देख पा रहे हैं, इस वक्त हम सब भी उसी गांव का हिस्सा बन चुके हैं। हम में से एक है उत्तराखंड की एक बहुत ही, मतलब सच में बहुत ही मशहूर ब्लॉगर तन्नू। क्या बोलूं पहले? और एक हूँ मैं, मुझे नहीं पहचाना। ओके वेट, हेलो, मैं हूँ नवीन। माय नेम लिटरली ट्रांसलेट्स टू 2007 से मैं रहा हूँ कैमरे के पीछे by the name of Retina Charmer, but now I've decided to be in front of the camera. मैं रहता हूँ पॉल्यूशन से भरे खूबसूरत से शहर में जिसका नाम है दिल्ली, और ढूंढता रहता हूँ यहाँ से निकलने के बहाने। प्रस्तुत है एक नया बहाना आप सबके लिए। पिछले व्लॉग में आप सबने देखा कि किस तरह दिल्ली के बेकार AQI को पीछे छोड़ते हुए हम जा पहुंचे ग्वीन मल्ला, और प्रवीण की मम्मी के गाइडेंस के बाद निकल पड़े कलिंगा माता मंदिर के दर्शन के लिए। सफर की शुरुआत हुई पाले की परत के दर्शन से, और गढ़वाल और कुमाऊं की पहाड़ियों के भूत भगवान और बाघ की कहानियां सुनते हुए माता के मंदिर के किए दर्शन। कलिंगा मंदिर से आने के बाद अगले दिन सुबह कंडली की सब्जी खाने के बाद आज का नया मुद्दा था कि करें तो करें क्या। कंडली नहीं पता? कोई नहीं, मुझे भी नहीं पता था। ये वही है जिसको बिच्छू बूटी भी बोलते हैं, और ये वही पौधा है जिसको छूने के बाद शायद आप ये मजबूर हैं पर आप नहीं, बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा। मेबी इस एड के अगले मॉडल बन सकते हैं। दिमाग में आया एक नया बहाना, और उसी की तलाश में गौ माता की अनुमति के साथ हम चल दिए हमारे अगली यात्रा पे, आदित्य की मम्मी से मिलने। अब आप सोच रहे होंगे आदित्य कौन है, रुको वो भी बताता हूँ। आदित्य एक वो प्राणी है जो कुछ साल पहले हमारे साथ काम करता था, अभी वो धोखा दे गया हमारे को। सब कुछ घटिया है लेकिन दिल का ठीक है, जैसे बैंगलोर का वेदर है ना, सब कुछ घटिया। हमें ना था पता कि हम पहुंचेंगे कहीं और, क्योंकि रास्ते में प्रवीण को याद आया कि उसको जाना है अपनी भांजी से मिलने। मेरे मामा है ना, मेरे मामा जो है ना, मेरे जैसा मामा है, जो रियल मामा है, वो बोलते हैं क्रिकेट वो देखता है जिसके पास फालतू टाइम हो, ठीक है। और पता कौन देखता है? मेरे मामा जिसका गाँव रस्ते में ही था। गांव की दहलीज पे हमारा स्वागत किया धूप में सिकते हुए कुत्तों ने, और तेल में सिकते हुए समोसों की खुशबू ने, और दोनों को थोड़ा प्यार देने के बाद अब बारी थी गांव में एंट्री करने की। है प्रवीण उस तरफ चला गया? अरे वो उस साइड चला गया। शिट, तो चलो भाई, सूत्रों से अभी अभी पता चला है कि हम आ गए गलत गाँव में। जिस गाँव में हमें जाना है वहां पे, यहाँ का सबसे बड़ा गाँव है, इसमें 400 घर है। मतलब अभी हमने नीचे मार्केट में भी पूछा ना कि आपको कहाँ जाना है, तो उन्होंने पूछा कि आपको ऊपर जाना है या नीचे, तल्ला या मल्ला। तल्ला मतलब नीचे वाला गांव, मल्ला मतलब ऊपर वाला गांव। तो प्रवीण ने उनसे बोला मल्ला जाना है 400 घर वाला। तो ये गांव इससे फेमस है, काफ़ी सही जगह है। बिरनो खाल मार्केट से हम यहाँ तक आए, और लगभग आधा पौना किलोमीटर आ गए होंगे, 20 मिनट से कर ही रहे हैं। और यहाँ आने के बाद अचानक से प्रवीण के पास एक कॉल आती है, भैया हम गलत आ गए, चलो फिर वापसी चलते हैं। तो ये आ गई प्रवीण की भतीजी, जिसने हमारे को गलत समय पे कॉल करके बताया कि तुम गलत रास्ते पे जा। यही है, ये हमारी यहाँ की लोकल गाइड है जिसने हमारे को गलत समय पे बताया। इन्होंने पूछा ही नहीं, नहीं जरा से ही गए थे हम 2 किलोमीटर। आई मल्ला से जाना तल्ला है, मतलब आई ऊपर से है जाना नीचे। लगभग 350 घर हैं इस गांव के अंदर। धाम आए हैं, ये देखो माता जी आ रही हैं, ये छुए पैर ले बेटा। ठीक ठाक है जी? सब नमस्ते 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 बोला जी। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते। सब दगड़े आ गए, ठीक है।
ना किसी बात को, ये बोलते ये परसों की तो बात है, छह महीने दी थी। करीम मैंने कहा कब गई थी कालिंग का, करीम ये बस परसों गई थी। तो परसों का मतलब क्या होता है कि दो दिन पहले, कहीं दोस्त हुए परसों, ऐसे बोल सकती है। हाँ ये तरह, ये तरह। अरे भाई तीन घंटे का रास्ता, ये तरह। ये कैसे बोल रहा है, क्या रहा है? मैं जब बीच में बैठा था ना, तो मैंने इसको देखा मैप में दिखा रहा है, एक घंटा नौ मिनट, ठीक है ना? सामने दिख रहा, वो तरह ऐसे बोला। क्या रहा, वो दिख रहा? मैंने कहा भाई टाइम बता, रास्ता बता। नहीं है मछली वहाँ पे? हाँ है, वो छोटी छोटी होगी, वो हिल, वो नहीं, वो क्या गांव वाली वाइब है यार यहाँ पे। सीरियसली ये चकोतरे का पेड़ लगा हुआ है ऊपर, इतना 60-70 चकोतरे तो नजर ही आ रहे हैं मेरे को। ये देखा चकोतरे का पेड़, देखा कितना सही लग रहा है, हम तो चकोतरा ही बोलते हैं। अरे वाह, ये तो लॉटरी लग गई, अंकल जी मिले हैं हमें। अंकल जी कह रहे हैं अरे चकोतरा ही बोलते हैं, मैं खिलाता हूँ आपको। अरे चिड़िया ने घोंसला भी बनाया हुआ, बड़ा सुंदर था। ध्यान से, हम गुइन से आए। हाँ अरे वाह, अरे वाह, अरे बस बस एक ही खा ले, बहुत है। बस बस और मत तोड़ना, और नहीं 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 नहीं, बहुत है बहुत है बहुत है। मैंने ऐसे ही व्लॉग बनाना था, मैंने बोला ये शायद चकोतरा लगे, शायद यहाँ भी, यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, हम लोग तो चकोतरा बोलते हैं। अंकल जी उठे, अरे बेटा हम भी चकोतरा ही बोलते हैं, खिलाऊ? मैंने कहा खिला दो। मुझे ऐसा लगता है हर इंसान कुछ ना कुछ बड़ा करने के लिए पैदा होता है, और हर एक का कुछ ना कुछ पर्पस ज़रूर है लाइफ के अंदर ना। कुछ नहीं तो हम कुछ ना कुछ तरीके की छाप तो छोड़ के जाते ही हैं यहाँ पे, जो कि मुझे अभी तक समझ नहीं आया है। मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों ना यही वाली छोड़ दें। वो देख रहे हो यहाँ का दुनिया, देखो कैसा होता है। फूल में से मटर निकलेगा, डुमेला मल्ला ये है गांव का नाम, और इतने खूबसूरत घर बने हुए ना यहाँ पे। नहीं ये झूलेंगे हम तो, धक्का मारेंगे, आप लोग बैठो। ये वाला दो, इधर दो, ये नहीं, इसे पकड़ो, इसे पकड़ो, इसे पकड़ो। अरे आजा आराम से, पहले कह रहा है जेल ले पाया था। भाई सही में टूट गया, रुक जा उठ जाऊंगा। भैया कुछ और टूट गया, ये वो कल्प्रिट जिसके लिए मैंने पहले ही कहा था ये वजन नहीं ले पाएगा, बांध देते हैं। अच्छा जी नमस्ते,
ये करो हमारी फोटो अलग अलग पोस्ट लाएंगे हम कल अलग पोस्ट लाएंगे आज ऐसे बैठे ऐसे कल और सुंदर साड़ी पहन के हाँ साड़ी पहन के बाल बना के अच्छी तरह के आगे ऐसे बैठ गए हम तो क्या बोल तुम बता देते हम पहले शहर छटके रहते आज हमने बहुत ज़्यादा मस्ती की क्योंकि मेरे दोस्त के भाई लोग आए हैं और उसने मेरे को कॉल किया, मैं तो घर पे थी, कि चलो चलते हैं आज घूमने और यहाँ पे फोटो वोटो शूट करेंगे। ड्रोन शूट भी हुआ, हमने बहुत मस्ती की। सबसे बेस्ट पार्ट था आज का जब झूला खेल रहे थे, झूला टूटा, पूरा गाँव घूमे, दादियों से भी मिले जो कि गाँव की जितने भी लेडीज है, दादियों के साथ हमने एक फोटो भी ली रॉकी स्टार वाली। रेटिमा सब्सक्राइबर टू रेटिना चारमर और मेरा तनु रावत पहाड़ी ब्लॉग। सामने कैमरे पे चाय ठंडी हो गई। चाय ठंडी हो गई। अपनी अपनी चाय